एक समय की बात है, एक बार एक जंगल में कबूतरों का झुंड रहता था। वे सभी बहुत खुश थे और साथ रहते थे। सभी कबूतर साथ में खाते थे। उनके साथ एक बूढ़ा कबूतर रहता है, वह बहुत समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन एक पक्षी पकड़ने वाला शिकारी जंगल में आया और कबूतरों के झुंड को देखकर कबूतरों को पकड़ने की सोचा। उसने पक्षियों को पकड़ने के लिए एक जाल लगाया और जाल के ऊपर दाना और चावल रख दिया। कुछ समय बाद कबूतरों का झुंड आया और दाना खाने लगा। बूढ़ा कबूतर उन्हें देखकर बताने की कोशिश करता है, प्लीज वहां मत जाओ, वहां जाल है जो चिड़िया पकड़ने वाले शिकारी ने लगाया है। लेकिन कोई भी कबूतर उस बूढ़े कबूतर की बात नहीं सुना और अनाज और चावल खाने चले गए। कुछ समय बाद जब सभी कबूतर का पेट भर जाता है तो वे उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि सभी जाल में फंस जाते हैं। वे लोग खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं छुड़ा पाते। कुछ देर बाद वे हौसला हारते दिखे क्योंकि उनका पैर जाल में फंस चुका था और वे लोग उड़ नहीं पा रहे थे। ऐसे में वे सभी घबरा गए। बूढ़े कबूतर ने उन्हें शांत किया और कहा, अगर हमें यहाँ से भागना है तो घबराना नहीं चाहिए। सभी पक्षी शांत होकर उसकी बातें सुनी। बूढ़े कबूतर ने उन्हें अपने निर्देशों का पालन करने के लिए कहा और बूढ़ा कबूतर ने सभी कबूतरों को कहा, तुम सब मिलकर उड़ोगे तो ये जाल भी तुम्हारे साथ उड़ जाएगा। बस यह याद रखना, तुम लोगों को एक साथ उड़ना है। पक्षी पकड़ने वाला शिकारी पक्षियों को ले जाने के लिए आ रहा था, तब वह कबूतरों को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। कबूतरों ने अपने पंख एक साथ फड़फड़ाए और जाल लेकर उड़ गई। पक्षी पकड़ने वाला शिकारी कुछ नहीं कर सका। कबूतरों में ऐसी समझदारी और एकता देखकर वह दंग रह गए। तो बच्चों, हम लोग इस कहानी से क्या सीखे? हम लोग ये सीखे कि एकता से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमें कठिन परिस्थितियों में उनसे उबरने के लिए शांत रहना चाहिए।